हाय मित्रों, आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो सुबह से लेकर शाम तक धूल मिट्टी में सने रहते हैं। उन लोगों के बारे में बात करेंगे, किस तरह से वो अपना दैनिक जीवन यापन करते हैं, कितने कष्ट से वो गुजरते हैं और किस तरह से उनका रहन सहन होता है, उनका भोजन होता है। तो हम बात करने वाले हैं ईंट भट्ठों में काम करने वाले मज़दूरों के बारे में, और अब आपको ले चलेंगे उनके पास, किस तरह से वो काम को करते हैं, किस तरह रहते हैं, वही सब रियलिटी, रियल जीवन के बारे में उनका इस वीडियो में दिखाया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब हम इन लोगों के बीच पहुंच गए हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से ईंटों को बनाकर तैयार करते हैं ये लोग। आइए आपको ले चलते हैं इन लोगों के बीच में। और भैया जी कैसे हैं? ठीक है। और सब कुशल मंगल? सब ठीक है। तो यही हम देख रहे हैं, आप लोग काफ़ी देर से मेहनत कर रहे हैं। तो आप ये बताएंगे किस तरह से आप ईंट को तैयार करते हैं, क्या क्या इसमें, कैसे शुरुआत से लेकर और ईंट में कैसे पकाया जाता है भट्ठे में ईंट को, वह सब हम जानना चाहते हैं। देखिए, पहले मिट्टी खोदे जाते हैं, उसके बाद भिगावे जाते हैं, उसके बाद फिर उसका बना के छोड़ दीजिए, रात भर रहता है, सवेरे निकाल दो, उसके बाद पीछा बनाओ, सूखेगा फिर भट्ठे में जाएगा, भट्ठे में फिर कोयले से पकेगा ये। अच्छा, तो तैयार तब तैयार होगा। ये क्या है भैया? ये सांचा है, फर्मा। अच्छा, इसी में मिट्टी को डालते हैं? इसी मिट्टी में फिर डालते हैं, निकालते तो हैं। एक डाल के दिखाइए किस तरह बनाते हैं। तो जैसा कि अभी आप लोग ने भैया जी को देखा किस तरह ईंटों को बना रहे हैं, और देख रहे हैं आप इनके बच्चे भी छोटे छोटे यहाँ पर खेल रहे हैं, कुछ बच्चे काम कर रहे हैं। क्या नाम है? क्या? तेजी। प्रियंका नाम है इस बच्ची का। और आप देख रहे हैं किस तरह से अपने माता पिता के काम में हाथ बटा रही हैं। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोग आगे काम कर रहे हैं। तो अब हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां ये लोग खुद कच्चे ईंटों का आवास बना कर रहते हैं और इसी में बनाते खाते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से इनके घर होते हैं।
और भैया जी कैसन है, क्या हाल चाल है? सब ठीक है, सब बढ़िया सब। अच्छा तो ये बताइए, आप ईट भट्ठे में पकने के लिए कब तक ये सब तैयार हो जाएगा? ये 1 तारीख से हो जाएगा बाजार शुरू। 1 तारीख से बाजार शुरू हो जाएगा। अच्छा तो जो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी दूर तक ईट बिछे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा है, भट्ठों पर कैसे पहुँचाते हैं इन ईंटों को? ट्रैक्टर ट्राली बनी हुई रहती है, 1000 का, 1000 का ट्राली बनी हुई रहती है ना, उससे चली जाती है। और कभी कभी देखते हैं खच्चर वगैरह, उससे भी जाती है। अच्छा ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक।